व्हाट्सअप दोस्तों, क्या हाल चाल, सब बढ़िया फर्स्ट क्लास। तो दोस्तों आई होप सब आप अच्छे होंगे, और दोस्तों अच्छे होंगे भी, क्योंकि दोस्तों जब तक मैं आपके साथ में हूं तब तक तो आपको कोई दिक्कत होने वाली है नहीं, क्योंकि मैं आपको ऐसे ही अवेयर करता रहता हूं जो लोकल फेक मांझे आपको प्रोवाइड करते हैं उनके खिलाफ, जो इंस्टाग्राम पे बहुत सारी फेक आईडी है उनके खिलाफ। तो दोस्तों अभी तक अगर आपने इस चैनल को फॉलो नहीं किया है, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है, तो दोस्तों जाके फॉलो कर लीजिए, कहीं अगला नंबर आपका ना हो स्कैमिंग का, कि आपको पता लगे कि भैया हमने तो वीडियो नहीं देखा था, और यार अगर देख लेते तो भाई क्या पता हम इस फ्रॉड से बच जाते, क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ में भाई स्कैम होते रहते हैं, फ्रॉड होते रहते हैं। इंस्टाग्राम की जो दुनिया भर की आईडी भरी पड़ी है मांझो से रिलेटेड, उनके साथ में जैसे फ्रॉड हो रहे हैं, आप खुद ही सोचोगे तो आप भी कहोगे भैया हो गया रहा। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ भाई, अभी मुझे पल परसों एक मैसेज आता है, वो मतलब बंदा ने मैसेज दिखाता है मुझे कि भैया देखिए गेम चेंजर 300 रुपये मेरे से ले लिया, और अभी तक उसने मुझे रिटर्न ही नहीं दिया। कहता है कि यार तुम्हारा जो मांझा है वो अभी यहाँ है वहाँ है, और उसको कम से कम भैया ऐसा हो गया 10 से 15 दिन हो गया उसका पैसा लिया हुआ, 300-400 रुपये में कोई गेम चेंजर दे रहा है, ऐसा बोला जा रहा है। ऐसा बोला नहीं जा रहा है, ऐसा दिखाया जा रहा है, वो भी इंस्टाग्राम की जो मेरी रील्स उठाई हुई है वहाँ से कॉपी कर करके लोगों से पैसा उतारा जा रहा है। अब मैं तो जानता नहीं भाई ऐसे कौन से लोग हैं जो 300-400 रुपये में मान जाते हैं कि हाँ यार हम बहुत अच्छा मिल रहा है मांझा, 300-400 रुपये में ले लेते हैं। तो दोस्तों ऐसे ऐसे लोग भरे पड़े हैं भाई, 300-400 रुपये में तो भाई कस्टम में पास नहीं होता, जो इंडिया की एयरपोर्ट कस्टम है मुंबई में, तो तुम यार 300-400 रुपये में कहाँ से ला के दे दोगे। मुझे खुला चैलेंज है दोस्तों, अगर कोई 300-400 रुपये में ये चीज़ ला के दे दे, खुला चैलेंज है उसको, मैं सारे गिफ्ट कर दूंगा, ठीक है। तो भाई ऐसे स्कैम से बचते रहो, और जो फेक और जो बहुत ज़्यादा फ्रॉड चल रहा है मार्केट के अंदर, थोड़ा अवेयर रहो, ठीक है ना, कहाँ पे पैसा लगाना है कहाँ पे नहीं लगाना। अब मैं ये नहीं कहता दोस्तों आप सब मेरे से लो भाई, मैं ये नहीं कहता, मैं तो ये कहता हूँ कि जहाँ पे आपको बढ़िया ट्रस्टी पर्सन मिले उसके पास जाइए, वहाँ से ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो चीज़ ओरिजिनल। तो आइए दोस्तों आज की वीडियो में बात करते हैं। आज का वीडियो दोस्तों बड़ा ही भयंकर होने वाला, बड़ा ही जबरदस्त होने वाला, क्या होने वाला है वो सुनेगा। चलो भाई आज का वीडियो में दोस्तों 4 चांद लगने वाले हैं, क्योंकि आज हम करने वाले हैं थंडर वॉर वर्सेस मोनोकाइट फाइटर का कंपैरिजन वीडियो। तो भाई ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो दिमाग लगा रहे हैं काफी टाइम से कि यार अगर थंडर वॉर वर्सेस फाइटर की आपस में भिड़त हो जाए तो कौन सा मांझा जीतेगा। वैसे मैंने बहुत सारे प्लास्टिक के मांझे काटे हैं इस थंडर वॉर से, मैंने टेस्टिंग में दिखाई है, नहीं विश्वास तो जाके देख लेना भाई। अब बात करते हैं थोड़ा पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है ना। मैंने कभी कंपैरिजन वीडियो नहीं दिखाया फाइटर के ऊपर, नहीं दिखा ना, सिर्फ थंडरबोल्ट की टेस्टिंग दिखाई है, कई कई तरीके से, ऊपर से कैसे काटे, नीचे से कैसे काटे, पीछे से कैसे काटे, आगे से कैसे काटे, तो भाई ऐसी ऐसी मैंने वीडियोस बताई। अच्छा आप लोगों ने इसमें बहुत प्यार दिया है, थैंक यू सो मच। जिन भाई ने थंडरबोल्ट यूज किया है उसको उसकी औकात पता लगी है, वो भी भाई मुझे थैंक यू कहता है, उसके लिए भाई बहुत सारा प्यार। अब बात आती है मेरे भाई कि फाइटर के साथ अगर भिड़त हो जाए तो क्या होगा। अब भाई ऐसा तो है नहीं कि मेरे यहाँ पे कोई फाइटर यूज नहीं करता, तो फाइटर भी यूज करता होगा, तो मैंने उसकी भी काटी है ना बेटू। तो भाई ये मेरे पास में ये ओरिजिनल फाइटर है जो कि आपको पता है, और एक ये थंडर वॉर है। तो मैं इनका कंपैरिजन पहले आपको समझा देता हूँ ऑन द टेबल। तो दोस्तों मैंने दोनों ही मांझे पैक करके रखे हुए हैं, मेरी आदत शुरू से ही है, अगर आपकी नहीं है तो आप भी बना लीजिए, जब भी आप मांझे को यूज़ करें तो उसको पैक करके जरूर रखें। तो सबसे पहले मैं फाइटर को ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे, और आपसे मुझे एक बात भी बोलना है दोस्तों, ये मैं सिर्फ कंपैरिजन वीडियो बना रहा हूँ, कोई इस भाई इन चीज़ों को गलत ना ले। पहली चीज़ मैं आपको बता दूँ कि मैं कोई प्रमोट नहीं कर रहा इन चीज़ों को, ठीक है ना, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे थंडर वॉर ने बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट दिए हैं, ठीक है, और नो डाउट इस मांझे ने मुझे अभी तक निराश नहीं किया दोस्तों। अब जो फाइटर जैसी कंपनी है, बड़ी बड़ी क्रूज जैसी कंपनी है, वो धीरे धीरे हमारी जो इंडिया की मार्केट है वहाँ से जा रही है, क्लोज होकर जा रही है, लेकिन कहीं कहीं अभी भी ये लेफ्टेड पीस बचे हुए हैं, तो वो बिक रहे हैं, जो कि मैं जानता हूँ कि वो जो कि अब नहीं बिकने चाहिए, क्योंकि भाई जब इन मांझों ने अपना इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिखा दिया है कि यार इतने अच्छे बजट में इतनी अच्छी चीज़ हमें मिल रही है, वो भी प्लास्टिक के चूतड़ फाड़ रही है, तो भाई हम इन वाले मांझों पे क्यों स्टे करें। ये बड़ी अच्छी बात कही आप, सबसे पहली चीज़ तो ये। लेकिन बहुत सारे काइट लवर है जो फाइटर को पसंद करते हैं, तो बिल्कुल भी गलत मत सोचना कि भाई मैं प्लास्टिक दिखा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, नहीं जी मैं प्लास्टिक वगैरह कुछ भी प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ एक कंपैरिजन वीडियो बना रहा हूँ। चलो अब इसको ओपन करते हैं, क्योंकि बहुत सारे जो दिमाग है ना लोगों के जो खराब हुए पड़े हैं वे जरूर बोलेंगे। अब कोई बोलता है तो भाई उसको बोलने दो, उसको मैं रोक भी नहीं सकता, ठीक है ना, जो जैसा सोचे सोचने दो, मुझे इतना क्लैरिफिकेशन करना था मैंने कर चुका हूँ। अब बात आते हैं मुद्दे पे, ठीक है। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा थंडर वॉर, ये मैंने 3 डील पे बनवाया था मांझा, ठीक है जी। और मैंने आपको ये भी बताया था कि जितना आप इस मांझे को उठा के रख दोगे, जैसे किसी बढ़िया कारीगर का मांझा होता है तो वे हमेशा ये बोलते हैं कि मांझे को जितना आप पुराना करोगे उतना ही वो निखर के सामने आएगा। इस मांझे को ऑलमोस्ट 1 साल हो चुका है, तो बहुत ही अच्छी धार अभी मुझे इसकी महसूस हो रही है, जैसे मैं इस पे हाथ लगा रहा हूँ, तो फिलहाल इसकी जो मुझे धार लग रही है इस तरीके से, अगर मैं हाथ लगाता हूँ
कहीं से उबड़ खाबड़ नहीं लग रही है, बिल्कुल एकदम गोल धार मुलायम धार हो चुकी है इसकी, जो कि गर्मियों के मतलब के लिए बहुत ही शानदार लड़ेगा। और अब हमारे यहाँ पे गर्मियों का सीजन शुरू हो चुका है, वैसे हल्की हल्की गर्मी शुरू हो चुकी है। ये है फाइटर दोस्तों, फाइटर की जो चमक है धमक है वो देख सकते हो भैया आप, कितनी ज़्यादा चमक धमक ये दिख रहा है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो फाइटर है ये न्यू फाइटर है, इसमें आपको जो देखने को मिलेगा ये स्ट्रैच होती है डोर। हमेशा याद रखिए इस स्ट्रेचेबल डोर की खासियत होती है, अगर तेज हवा हो तो भाई स्ट्रेचेबल डोर जबरदस्त तरीके से तबाही मचाती है। हमारे यहाँ हवा जो चलती है अच्छी चलती है, ऐसी बात नहीं है, अगर हवा तेज हो और उसका सामना ऐसी डोर से हो जाए, ये स्ट्रेचेबल है नॉन स्ट्रेचेबल है, क्योंकि कॉटन की जो होती है वो नॉन स्ट्रेचेबल ही होती है, तो फिर कौन सा जीते। इसकी धार के बारे में हम बात करते हैं एक बार, जैसे धार के बारे में मैं बात ही क्या करूँ दोस्तों, आप खुद ही देख लो मैंने कितनी बार इसकी धार की बात कर ली है। उसकी तो धार है बहुत ही शानदार है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो ये वाला मांझा है अगर ये मांझा इससे भिड़ जाए तो क्या होगा, ऐसे बहुत से डाउट्स आपके दिमाग में चल रहे हैं। देखिए दोस्तों मैं जहाँ तक जानता हूँ, जब ये मांझा एक तो मोटा है, इससे तो मोटा है ठीक है, और कोई बारीक चीज़ अगर मोटे पे पड़ेगी तो वो थोड़े टाइम में उसको काट देगी। बात तो सही है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई ये मतलब फाइटर जो है बिल्कुल ही ख़त्म है या फिर कट ही जाएगा, कंपैरिजन वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि भाई लोग समझाने पे भी नहीं मानते, मैं उनको बोलता रहता हूँ इंस्टाग्राम पे भी वैसे भी कि भाई प्लास्टिक मतलब यूज़ मत करो, क्या फ़ायदा यार, कॉटन के हम इतने अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं, लेकिन जब तक लोगों को भाई पूरा का पूरा प्रैक्टिकल करके ना समझाया जाए जब तक उनको समझ में आने वाला नहीं है। लेकिन मैं ये हमेशा से बात बोलता हूँ अपने वीडियो में, जो भी दिखा जो भी होगा वीडियो के अंदर वो एकदम रियल होने वाला है। अगर भाई थंडर वॉर हारता है तो मैं थंडर वॉर को मैं दिखाऊंगा हारता हुआ, फाइटर जीतता है या फाइटर जीतता है तो फाइटर को दिखाऊंगा जीतता हुआ। मुझे भाई इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि भाई नहीं मुझे तो यही दिखाना है, यही मुझे मतलब यही इसको जितवाना है, नहीं जी, जो जैसी क्वालिटी होगी ना उसको वैसा दिखाया जाएगा। अब मान के चलो मैं इसको बता दूं भाई बहुत बढ़िया है ये है वो है तो बढ़िया, लेकिन मान के चलो अगर फाइटर के साथ में इसकी कंपैरिजन वीडियो बढ़िया तरीके से टेस्टिंग के साथ में बन जाए और मैं कह दूं भाई बहुत ही बढ़िया है ये है वो है, ऐसे तो भाई आप पे भी आएगा, आप भी टेस्ट कर सकते हो, आप कहोगे अरे भाई तो झूठ बोल रहे हैं, तो भाई नहीं, रियल फैक्ट में ही मजा है, रियल जियो, एकदम फुल्ली प्रैक्टिकल तरीके से जियो, जो होता है होने दो, मौज लो जिंदगी की, बस मैं इतना जानता हूँ, ऑनेस्टली के साथ जियो और जो रियल है फैक्ट है वो दिखाओ बस। फिलहाल इनकी मैं बहुत जल्दी टेस्टिंग लेके आने वाला हूँ, कमेंट में बताऊँ कब लेके आऊँ ठीक है, इस वाले मांझे को लड़ाऊंगा इस वाले से, तो भाई वो वाला वीडियो जरूर देखना होगा आपको। फिलहाल जो मुझे अभी मेरा जवाब आप सुनना चाहते हैं कि उन दोनों में से कौन जीतेगा, मैं तो जहाँ तक जानता हूँ, जहाँ तक मैंने इस वाले ब्रांड को यूज़ किया है, तो भाई इसने प्लास्टिक वालों की बहुत बढ़िया दर्जा उठा दी है और मुझे लग रहा है कि ये वाला मांझा जीत जाएगा, पक्का जीत जाएगा ठीक है। बाकी जो वीडियो के अंदर होगा वो तो देखा जाएगा, लेकिन क्वालिटी के मामले में दोनों ही मांझे ज़बरदस्त है। अब जहाँ तक मुझे पता है कि अगर कॉटन का मांझा ऐसा स्मूथ हो जाए ठीक है ना, काफ़ी टाइम रखा हुआ इस तरीके से स्मूथ हो जाए, गोल धार हो जाए उसकी, भाई साहब तबाही है तबाही, दे बिना मतलब आँख बंद करके लेना कोई दिक्कत नहीं है। तो फिलहाल आज का वीडियो दोस्तों यही था, और मैं कुछ ही टाइम के अंदर जो भी आपके डाउट्स वो क्लियर हो गए होंगे, तो कुछ ही टाइम के अंदर वो वीडियो भी आ जाएगा इन दोनों की टेस्टिंग का, आप बताओ कमेंट में कब लेके आना है कब नहीं। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, शेयर नहीं करते आप लोग यार, शेयर किया करिए ठीक है ना। मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए गाइस जय भारत, वंदे मातरम।